नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए जो लोग आते हैं उनका काफ़ी समय जाता है पहाड़ चढ़ने में, जैसे कि केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम में, और दर्शन के लिए जो लाइन होते हैं उनमें भी काफ़ी समय लग जाता है। और तीसरा, जब आप एक धाम से दूसरे धाम जा रहे हैं तभी भी काफ़ी समय लगता है। और जब आप उस तरह का सफ़र कर रहे हो, गाड़ी में बैठे 7-8 घंटे, तो आपको उत्तराखंड में खासकर ऐसे दृश्य दिखेंगे जो आपको आपके आम जिंदगी में, जैसे कि शहरों में, कभी नहीं दिखेंगे। गंगनानी से गंगोत्री धाम का रास्ता कुछ ऐसा ही है। हमने ऐसे दृश्य देखे जो मानो अब तक के सबसे खूबसूरत थे। शाम का समय था और सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा था और उसकी आखिरी किरणें गंगा मैया पे पड़ रही थी, जो हमारे साथ ही चल रही थी। हमने जो अनुभव किया उसे शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है। क्यों नहीं, आखिर प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में शब्द हमेशा कम ही पड़ जाते हैं। आइए आप खुद ही देख लीजिए।